नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन चौरसिया। रूट प्लान के तहत आज विज्ञान बस आ चुकी है गवर्नमेंट हाई स्कूल ठरवा में, जो जिला अम्बाला में पड़ता है। आज हमारे साथ विद्यार्थी मौजूद है जिन्होंने आज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं विद्यार्थियों से आज का कार्यक्रम इनको कैसा लगा। मेरा नाम अंश है, मैं क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई थी, उन्होंने हमें साइंस मूवी दिखाई और हमें मच्छर दिखाया जो छोटा होता है उसे बड़ा कैसे देखते हैं, और हमें प्लास्टिक के बारे में बताया, प्लास्टिक को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में विज्ञान बस द्वारा आए और हमें नई नई सीख मिले। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम स्कूल में किया गया हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का, इसी के साथ जो वर्कशॉप लगाई गई, इसी कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए हमारे साथ नेहा वालिया मैम मौजूद है। आइए मैम से जानते हैं मैम ने आज कार्यक्रम में क्या ऑब्जर्व किया, और मैम से हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे इस तरह के कार्यक्रम किस प्रकार बच्चों के लिए सहायक है भविष्य के लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैं नेहा वालिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल ठरवा अम्बाला से। आज हमारे स्कूल में सर्कस ऑफ साइंस वालों की एक वैन आई, और जिन्होंने हमारे स्कूल में आके बच्चों को साइंस के बारे में बहुत कुछ बताया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिक्स क्लास है उनको उन्होंने स्पेस और पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें बताई, और सेवन्थ और एट्थ वालों के लिए वर्कशॉप लगाई जिसमें उन्होंने दिक्सूचक और धूपघड़ी के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाया, और नाइन्थ एंड टेंथ क्लासेस के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्लासेस रखी और एक वर्कशॉप टाइप उन्होंने लगाया, और जिसमें बच्चों ने अपने डाउट्स क्लियर करे और उन्हें पूरे लाइव एक्सपेरिमेंट करे। मेरे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि काश जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे हमें ऐसी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिली। मतलब मैं फ्लैशबैक में चली कि काश हमें भी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती तो हम भी आज साइंस स्ट्रीम में होते। और ये गवर्नमेंट की काबिल तारीफ़ कोशिश है कि बच्चों के ज्ञान अर्जित करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ही दिल से कोशिश कर रही है। तो मैं सर्कस ऑफ साइंस वालों का तहे दिल से अपने स्टाफ की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से हमारे स्कूल में बच्चों का आके हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद। स्कूल रेडियो श्री सुल्तान सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आइए सर से जानने का प्रयास करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या बताना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये सर प्रोग्राम आपका बहुत ही बढ़िया था। हमारे स्कूल में यानी ये साइंस अध्यापक भी 2-3 साल से मौजूद नहीं है, और ये प्रोग्राम अगर संभव हो सके तो यानी कि महीने में एक बार हमारे स्कूल में ज़रूर हो जाना चाहिए। बच्चों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से साइंस प्रैक्टिकल किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से अपना कार्य किया। छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इन छात्राओं से भी जानने का प्रयास करेंगे आज का कार्यक्रम इनके लिए किस प्रकार सहायक रहा और आज इन्होंने क्या क्या सीखा। मेरा नाम रमनजोत कौर है, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल में आज साइंस का जंतर मंतर की बस आई है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में साइंस की कोई टीचर नहीं है और हमारी महीनों से भी पढ़ाई नहीं चल रही, और ये हमें सोच के हम परेशान हो जाते हैं पेपर वाले दिन भी कैसे करेंगे। पर आज जैसे साइंस की बस आई है तो सर ने हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स के बारे में मतलब ऑफलाइन समझाया, ऑनलाइन भी नहीं, अगर जैसे हम यूट्यूब पे समझ सकते हैं, पर बहुत अच्छा समझाया। और आज हमें प्रयोग जैसे रासायनिक प्रयोग कराए, हाइड्रोजन गैस वाले कराए, दर्पण कंकेव कन्वेक्स के बारे में बताया, आदि चीज़ों के बारे में बताया, तो ये बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि ये बस हमारे स्कूल में बार बार आती रहे, महीने में 2-3 चक्कर तो लगाए, क्यों हमारे साइंस के पीरियड्स भी नहीं इतने लगते और बच्चे भी कम है और टीचर स्टाफ भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि ये बस आती रहे और हमें अच्छी तरह करवाती रहे तैयारी भी, ताकि पेपर बोर्ड तक भी हमें ये सब सारी चीज़ें याद रहें। थैंक यू। मेरा नाम गुरकीर्त है, मैं क्लास 7th का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई और हमने उसे कलाइडोस्कोप बनाने को सीखा और धूप घड़ी सीखा। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे स्कूल में ये बस द्वार से आए। धन्यवाद। मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं 8th क्लास का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई और उन्होंने हमारे लिए वर्कशॉप लगाई जिसमें हमने क्लाइडोस्कोप और धूप कड़ी बनाना सीखा। धूप कड़ी को पहले समय देखने के लिए उपयोग किया जाता था, और क्लाइडोस्कोप को नए नए डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में साइंस बस दोबारा आए। धन्यवाद।
मेरा नाम विनय है, मैं क्लास सिक्स का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई और हमें एक मूवी दिखाई जिससे प्रदूषण कैसे फैलता है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में ये बस दोबारा आए। धन्यवाद।